आजकल सब इंस्टेंट और क्लिक पर अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस तो एक दिन में ही मिल जाते हैं, खाना 20 मिनट में डिलीवर हो जाता है, ग्रोसरीज तो 10 मिनट में ही अवेलेबल है, और तो और आजकल लाइफ पार्टनर भी एक स्वाइप पर मिल जाता है। लेकिन जब बात आती है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज की, देन क्या आप में से कभी किसी ने अपने चाहने वाले या परिवार के सदस्य को वक्त पे मदद ना मिलने के कारण से खोया है? आई होप नॉट, लेकिन मैंने खोया है। आज भी हमारे देश में 30% लोग अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि टाइम से एम्बुलेंस नहीं मिल पाती। और तो और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हमारे देश में एम्बुलेंस सर्विस की स्थिति अस्त व्यवस्थ, प्रतिक्रियारित, अनुपलब्ध और अविश्वसनीय है। और इन्हीं समस्याओं का सलूशन बनने की एक कोशिश है मेडुलेंस। हेलो, आई एम एम्बुलेंस। मेडुलेंस अपनी हेल्पलाइन और बैकएंड पे टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ ऑन एन एवरेज 20 मिनट में एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है। मेडुलेंस अपने कॉर्पोरेट पार्टनर्स के साथ भी टाई अप करती है और एक स्पेशलाइज्ड सब्सक्रिप्शन द्वारा 3 सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मेड्यू ERS जो कि है स्टेशन एम्बुलेंस सर्विस, मेड्यू क्लिनिक जो कि एक मेडिकल रूम सर्विस, और मेड्यू अलर्ट जो कि हमारी प्रोमिनेंट सर्विस है जिसमें हम कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉयज ही नहीं उनके 4 फैमिली मेंबर्स को भी कवर करते हैं। मेडुलेंस को आज 5 साल हो चुके हैं और हम 7500 से ज्यादा एम्बुलेंसेज और स्मार्ट एम्बुलेंसेज के नेटवर्क के साथ 60 से अधिक शहरों के अंदर है। हमने 8 लाख लोगों की जान बचाई और 2 लाख कोविड पेशेंट्स की भी सहायता करी है। सुपर। यही नहीं, हमने दिल्ली जैसे शहर में 35 मिनट से रिस्पॉन्स टाइम घटाकर 11 मिनट कर दिखाया है। अमेजिंग नंबर्स। हम देश के हर कोने तक अपनी सुविधा पहुँचाना चाहते हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को एक एम्बुलेंस की देरी की वजह से अपनी जान न गंवानी पड़े। नमस्ते शॉक्स, मेरा नाम है प्रणब बजाज और मैं रवजोत अरोरा, हम दिल्ली से हैं और हम हैं को-फाउंडर्स मेडुलेंस के। तो शॉक्स, टुडे वी आर लुकिंग एट रेजिंग 2 करोड़ इन टर्न फॉर 1% इक्विटी। मुझे आपकी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, तैयार है? आपका वैल्यूएशन सुन के। नहीं नहीं सर, हम ठीक कर देंगे। वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। आप हैं प्रणव? यस। और आप हैं रवजोत अरोरा, राइट? यस। शानदार, आपने जब बोला 8 लाख जिंदगियां आपने बचाई, दिल को छू गया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी यंग एज में आप इतना नोबल कॉज परस्यू कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लगा। थैंक यू। अब आप ये बताइए, अपनी कहानी क्या है, आप लोग कैसे मिले, उसके पहले आप क्या करते थे दोनों? बेसिकली सर, हमारी शुरुआत 2017 में हुई एंड रवजोत और मैं एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे एंड आई स्टार्टेड माय करियर वेरी अर्ली एट अ स्टार्टअप कॉल्ड Zomato बैक इन 2012। सॉरी, जैसे आपने कहा वो थोड़ा फनी लगा मुझे, आपने कहा स्टार्टअप कॉल्ड Zomato, देन इट वाज अ स्टार्टअप। तो मैंने बोला, जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि यू नो द कल्चर वेयर आई सॉ इट वाज अ स्टार्टअप ओनली इन 2012, राइट? तब से ही मेरे में एक एंटरप्रेन्योरशिप का बग था। उस टाइम पे हमने ये भी देखा दैट प्लेटफॉर्म्स लाइक ओला एंड उबर भी आ चुके थे, टेकन एडवांटेज ऑफ समथिंग एज सिंपल एज जियो लोकेशन टू प्रोवाइड पीपल विद फास्टर कैब्स। हमने ये सोचा कि हम भी एम्बुलेंस इंडस्ट्री में लोगों को एक बेटर रिस्पॉन्स टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं और उसी सोच के साथ हमारी शुरुआत हुई। आप अपनी कहानी भी बताओ थोड़ी सी। तो सर, मैंने अपनी स्कूलिंग DPS RKpuram से करी है, देन आई डिड माय इंजीनियरिंग। योर डॉटर इज माय नीसेस क्लासमेट। ओह नाइस, डील डन। फिर उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम JB नॉलेज पार्क फरीदाबाद। देन उसके बाद मेरा एक फैमिली बिजनेस था फॉर नाइकी स्टोर्स, नाइकी रिटेल शोरूम्स का। आई एंटर्ड इनटू दैट एंड पोस्ट दैट व्हेन आई वाज प्लानिंग टू गो फॉर GRE, एट दैट टाइम आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स, सो आई हैड अ सिमिलर थिंग दैट आइदर आई कैन गो एंड स्टडी अब्रॉड फॉर माय मास्टर्स और एटसेट्रा, और आई कैन डू समथिंग ऑफ माय ओन व्हिच माय पेरेंट्स हैड गिवन मी अ प्रिविलेज फॉर। So that's why when we met, so I was like, yeah, let's solve a common problem. And I had already suffered a loss. So uske andar maine kaha, yaar yahi cheez hai jo matlab it will touch our lives also and ek
फील गुड फैक्टर भी आता है व्हेन यू आर एबल टू हेल्प समवन, किसी की जान बचाने में कहीं पे, सो इट फील्स गुड इनसाइड आल्सो। आपने एक पर्सनल लॉस की बात करी जिसकी वजह से आपको ये आईडिया है, थोड़ा शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में? तो सर एक्चुअली इट वॉज माई ग्रैंड फादर, तो उनको हार्ट अटैक आया था, तो हमने एम्बुलेंस के लिए कॉल करा इधर उधर, तो कहीं नहीं मिला। देन माई डैड वेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, वहां पर एम्बुलेंस को साथ लेकर आए अपनी गाड़ी के पीछे, एंड उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि ही वॉज ऑन वेंटिलेटर फॉर द continue some days of that, then he passed away from that. जान का खोना एक ऐसी चीज होती है सर कि कोई भी बंदा जब तुम्हारा कोई करीबी होता है ना, तो तुम सोच हमेशा सोचते हो उसके जाने के बाद कि तुम क्या कर सकते थे जो बच जाते। इसी चीज के लिए कि हमारे साथ जो हुआ है किसी और के साथ ना हो, दैट वाज द रीजन वी स्टार्टेड मेडिसिंस। अगर हम 1% लोगों की भी जान बचा पाते हैं, तो एक जो इंटरनल हैप्पीनेस है, एक फील गुड फैक्टर है, उसका कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में। मैं आपको अपने एक पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ जो मेरे काफ़ी करीब है। मेरे जो पापा थे उनको कैंसर हो गया था, तो पापा की डेथ हुई कैंसर से। उस टाइम पे मैं उनके साथ था और एम्बुलेंस की जरूरत मेरे को तब पड़ी थी। इट टुक मी एटलीस्ट 45 मिनट्स टू गेट दैट एम्बुलेंस टू टेक हिम। तो मैं इसलिए काफ़ी क्लोजली आपके इस आइडिया को लाइक इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अपने घर में दादाजी की डेथ, दादी की डेथ, अपने पापा की डेथ, तीनों की देखी। वो एक ह्यूमन इमोशन जो टच होता है ना इसमें टाइमली सर्विस पे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताए, आपने बताया 3 स्ट्रीम्स है, VRS, क्लिनिक एंड मेड्यूलो। मैम मेड्यू ERS इज अ स्टेशन एम्बुलेंस सर्विस। ओके मेड्यू ERS। सो व्हाट अ स्टेशन एम्बुलेंस इज, बिकॉज़ आप कोई कमर्शियल रेजिडेंशियल फैसिलिटी, राइट, वी वर्क हियर विद फैसिलिटी मैनेजर्स लाइक JLL, कुशमन वेकफील्ड, वेयर वी पार्क एन एम्बुलेंस फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस ऑलरेडी। इसमें आइडिया होता है दैट एन एवरेज रिस्पांस टाइम ऑफ लेस देन 5 मिनट्स कैन बी गिवन टू अ कैप्टिव ऑडियंस, क्योंकि एम्बुलेंस वहीं पर होती है लोकेशन पर। यस करेक्ट। यस क्लिनिक क्या है? सेकंड क्लिनिक इज मैम लाइक मेडिकल रूम जहां पे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स बेसिकली एक अगेन एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में एक मेडिकल रूम सेटअप होता है जिसमें कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी रेजिडेंट कभी अपना चेकअप कराने आ सकता है, बेसिकली फॉर फर्स्ट एड और बेसिकली फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट, राइट। तो डॉक्टर और पैरामेडिक्स आप प्रोवाइड करते हैं? यस मैम, दैट इज योर जॉब। यस। और ये ERS में जो लोकेशन पे एम्बुलेंस होती है वो यू ओन इट के लीज पे होती है? मैम लीज पे होती है एम्बुलेंस, बिकॉज यू नो वी आर मोस्टली एन एसेट लाइट ऑर्गेनाइजेशन, तो एम्बुलेंस वी आर लीजिंग आउट बेसिकली। थर्ड स्ट्रीम क्या है? बेसिकली द आइडिया इज कि हम कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को वर्क प्लेस सेफ्टी नहीं देना चाहते, बट वेन दे आर आउट ऑफ देयर ऑफिस उसके बाद भी एम्प्लॉइज हैव अ डेडिकेटेड नंबर टू कॉल टू स्पेसिफिक फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसपे वो जब वो घर पे हो तभी भी कॉल कर सकते हैं, किसी और सिटी में हो तभी भी कॉल कर सकते हैं। द सर्विस इज नॉट ओनली वैलिड फॉर देम बट ऑल्सो फॉर देयर फैमिली मेंबर्स। इस सर्विस के लिए आज हम 60+ पार्टनर्स के साथ काम करते हैं, वी हैव अ सब्सक्राइबर बेस अबाउट 80 लाख एम्प्लॉइज। जरा समझाइए कि इंडिया में एटलीस्ट इन बिग सिटीज क्या एम्बुलेंस अनअवेलेबिलिटी से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ट्रैफिक नहीं है? सर एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा यही प्रॉब्लम है, इसलिए एज आई सेड जब हमने शुरुआत भी की सो वी वुड हैव मोर एम्बुलेंसेस पर पिन कोड। जब हमने अपनी सर्विस शुरू करी थी बेसिकली इन 2017, सो एक लेडी का फोन आया मैं फ्रॉम फरीदाबाद, अ प्लेस इन दिल्ली, राइट। शी वॉज अनकॉन्शियस एट हर हाउस, हर डॉटर हैड कॉल्ड अस। बेसिकली दैट्स व्हेन वी रियलाइज्ड दैट हम अगर सर आपकी क्लोजेस्ट लोकेशन से एम्बुलेंस डिस्पैच करते हैं तो हम रिस्पांस टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अनुपम, अगर मेरे को फोर्टिस जाना है गुड़गांव, हाँ जी, और अगर एशियन हॉस्पिटल जो फरीदाबाद में पास में है, अगर ये एशियन के एम्बुलेंस भेज के मुझे फोर्टिस ड्रॉप कर देंगे तो उस टाइम बच सकता है। समझ गया। करें? बिल्कुल। वो ये करते हैं आप। जैसे टैक्सीज में होता है, आपने हर एरिया में अवेलेबिलिटी क्रिएट कर दी और यू कैन सेंड टू अनदर नेबरहुड, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं, क्योंकि आपके ज्यादा पास है एम्बुलेंस, आपको जल्दी मिल जाती है। करेक्ट। इज दैट राइट? यस। अच्छा जी, एक बार यूजर जर्नी दिखाइए हमारे को। बिल्कुल सर, हम आपको इस डैशबोर्ड के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे ही हमारे पास कॉल आई तो हम पेशेंट का नाम, नंबर और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी ले सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर हम आस्क फॉर 3 वर्ड्स करते हैं तो हमारे पास एक SMS आता है जिसके अंदर एक लिंक होता है। इस लिंक पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये एक सीन, ये SMS आया है कॉल करने के बाद? हाँ जी। कोई मिस्ड कॉल टाइप का नंबर है कि मिस्ड कॉल दीजिए? नहीं नहीं नहीं, आपने हमें कॉल करा, हम बात कर रहे हैं आपसे। हाँ जी। हम उसी दौरान आपको एक SMS भेज देंगे
ताकि हम बिना ऐप के या आपको किसी भी तरीके से हम आपकी लोकेशन एग्जैक्ट अप टू 5 meters ले पाएं। हमारे को ये था कि अगर हम ऐप भी आपको दे दे, आपको अगर यूज नहीं आती है 1 महीने 2 महीने 3 महीने, इट्स अ टेंडेंसी कि आप डिलीट कर दोगे। बिल्कुल। तो हम ये कहते हैं कि जब भी आप कॉल करो, हमें जो ऐप से आपकी लोकेशन ही चाहिए बेसिकली, तो हम वो सारी चीजें हम बिना ऐप के भी कर सकते हैं। फ्रिक्शन हटा दिया आपने कि ऐप इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इसको एज अ सोर्स सिलेक्ट कर देंगे कि ये हमारी, हमने पिकअप एड्रेस हमारा आ गया, और फिर आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपके पास सारी अवेलेबल एम्बुलेंसेज आ जाएंगी। क्लोजेस्ट 5 एम्बुलेंसेज आ जाएंगी। हम आपको ETA भी बताते हैं हमारे एजेंट को कि ETA के अंदर की कितने टाइम में ये एम्बुलेंस उधर तक पहुंच जाएगी, कितना डिस्टेंस है और क्या टाइप ऑफ एम्बुलेंसेज है। गॉट इट। तो बेसिकली आपने उबर ऑफ एम्बुलेंस बनाया है, अब उसमें कंज्यूमर जर्नी फोन पे कर दी है, ड्राइवर जर्नी ऐप पे ही है। यस सर। एक नया शहर खोलने के लिए कितना एफर्ट लगता है सर? वहाँ पे पहले चेक करना पड़ता है कि कितनी एम्बुलेंसेज हैं, फिर हम ग्रेड करते हैं कि एडवांस लाइफ सपोर्ट कितनी है, बेसिक लाइफ सपोर्ट कितनी है, पेशेंट ट्रांसपोर्ट कितनी है। टाई अप विद हॉस्पिटल्स। यस, हॉस्पिटल्स। देखो आपका बिजनेस तो समझ आ गया, सॉलिड अच्छे से समझ आ गया। हम मेरे को ना थोड़ा सा रेवेन्यू मॉडल और प्रॉफिटेबिलिटी और इसकी तरफ चले। तीनों में नंबर बताइए आप। बिल्कुल सर। सर हमने लास्ट ईयर 24 करोड़ का रेवेन्यू किया है। वेरी गुड। वेल डन। और हमारी नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज 24%। वेरी गुड। वी बीन प्रॉफिटेबल फॉर द लास्ट 3 years। लास्ट ईयर मतलब 21-22। यस सर। ओके। एंड उससे पहले हमने 15.7 CR किया था एंड हमारी प्रॉफिटेबिलिटी थी 18%। अनुपम की तरफ से क्वेश्चन पूछता हूं, लास्ट मंथ कितना किया? सर लास्ट मंथ है 2.7 CR। ओह वाओ, बहुत शानदार कर रहे हो आप। तो आपका रन रेट मतलब 30 करोड़ के आसपास हो गया पर ईयर। सर बाय द एंड ऑफ 20 दिस फाइनेंशियल ईयर वी आर टारगेटिंग अराउंड 45 CR एंड दैट इज ऑलरेडी इन द 45 CR रन रेट की 45 CR ARR बाय द एंड ऑफ द ईयर। पूरे साल का रेवेन्यू कितना होगा? अराउंड 40 तक हम टच कर लेंगे सर। कितना प्रॉफिट होगा? सर अबाउट 24%। प्रायर राउंड जरूर होगा, नहीं तो आप 200 करोड़ के वैल्यूएशन पे नहीं आते। नहीं मैम, हमारी कंपनी कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है, हमने आज तक कोई भी फंड्स रेज नहीं करे। कमाल, मानना पड़ेगा बहुत रेयर स्टार्टअप। ऐसे स्टार्टअप्स देख के मजा आ गया। तो आपका इक्विटी शेयर स्प्लिट कितना है? 50-50। तो यहाँ क्यों आए हो यार आप? सर बिल्कुल बहुत सही सवाल है ये। आप प्रॉफिटेबल हो, सब कुछ बढ़िया है, रेयर स्टार्टअप हो आप, और आप तो मुझे पहले से जानते थे, आपने वहां क्यों नहीं मिले, यहाँ पे अब लड़ना पड़ेगा सबसे। तो मैंने आपको मैसेज करा, आपने रिप्लाई नहीं करा। अमन ये नहीं पूछना चाहिए था। मैंने अपनी बहन से बोल के आपकी वाइफ से आपका नंबर भी निकलवाया, आपको मैसेज भी करा, बट यू नेवर रिप्लाइड। तो मैं आपको ऑफर दूं? ए नहीं नहीं, वन मिनट वन मिनट वन मिनट एक मिनट। अरे यार बिजनेस समझने दो यार, ऑफर पे आया था आप। अरे इतना इजी बिजनेस है, आपको इतना टाइम लग गया समझने में। आई हैव अ गुड आईडिया। आप सुनिए। भाई साहब, आपने कहा 40 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। हाँ जी सर। 24% प्रॉफिट निकलेगा। राइट। तो 40 करोड़ का 24% कितना होता है? अप्रॉक्सिमेटली 10। ठीक है, मतलब दोनों में स्प्लिट होकर 5-5 करोड़ रुपया बचता है। आपको क्यों इन्वेस्टमेंट चाहिए भाई, मुझे समझ ही नहीं आई बात। और आपको 2 करोड़ चाहिए सर? हमें लगता है कि हमारे बिजनेस में टिल डेट थोड़े से इश्यूज हैं जिसके लिए हमें आपकी स्किल्स एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है। एक्सपर्टीज समझ नहीं रहे हो आप। अच्छा आपको हमारी जरूरत है, हम ऑफर देते हैं आपको। इनके ऑफर से पहले मुझे सवाल है। यस। ऑफर तो दे देते हैं भाई। उनको एक सेकंड यार, वन सेकंड, उनको जवाब तो देने दीजिए। मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं। ऑफर देना है तो कूद मत जा, बात तो करना, जवाब दो। I completely agree with Anupam. कूदो मत यार, कूदो मत। ठीक है चलो बात कीजिए। तो सर इट इज नॉट ओनली कि हमें अभी क्यों रेज करना है, ऐसा नहीं है कि हमें ऑफर्स पहले भी आए हैं बट वी हैव नॉट टेकन दैट। नाउ वी फील आवर कंपटीशन हैज आल्सो रेज्ड अ $20 million राउंड। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है कंपटीशन? स्टैंड प्लस इन हैदराबाद। $20 million एंड विद द सेम रेवेन्यू व्हाट वी आर डूइंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ $100 million। व्हाओ, दिस इज वेरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, थैंक यू। नाउ वी वांट टू एक्सप्लोर मोर इनटू दिस सेगमेंट इन एंटायर इंडिया टू मैनेज इमरजेंसी रिस्पांस इन स्मॉल और
bigger cities, tier 2, tier 3 or tier 1 cities also. वो सब ठीक हो गया, expansion plans. बात सिर्फ ये है कि एक कंपनी का generally एक industry में इतना बड़ा round होता है at 100 million valuation और आपका revenue बराबर का है और आप team भी अच्छी है, तो you should not have had problem to raise from another VC आसपास के valuation. वो किया क्यों नहीं आप? अरे बस उन्हें हम चाहिए ना, लेकिन यार आपको समझना नहीं है. प्रॉब्लम क्या है? आदमी को समझो यार, क्या कर रहे हैं. Sir, we've gone through the angel rounds. They were valuing out something or the other, but हमें वो SHA agreement भी नहीं समझ में आया. बिल्कुल सही बात है. मैं बताता हूँ, मेरे साथ भी यही हुआ. हम ये भी कह सकते हैं कि हम SHA agreement हम दोनों के सामने, मैंने कहा छोड़ यार इसे, यार नहीं चाहिए. बहुत बारी हर चीज नहीं आती. देखो हम तो, आप entrepreneurs होते हैं ना, कभी कभी entrepreneur होते हैं, investor नहीं होते. तो हमें नहीं समझ आता कि फंडिंग कैसे करनी है, क्या करना है. मैं भी जब पहली बार गया था ना, ऐसे ही मैंने लिंक्डइन पे लिख दिया था अपने इन्वेस्टर को कि मुझे फंडिंग चाहिए. फिर उसने पूरा डिटेल समझाया. मैंने उसी को बोला आप ही समझाओ सारे टर्म्स, ये लिखा क्या है. तो नहीं समझ आते बहुत बार यार. मतलब आज वो इन्वेस्टर और मैं दोनों खुश हैं. आप ऑफर दे दो यार फटाफट. अच्छा, हम ऑफर दे दो यार. सबको कहानियां सुनानी है सबको यहाँ पर, किसको समझना है. चलिए आप बात कीजिए, ऑफर लीजिए. हम आपको ऑफर करना चाहेंगे 1 crore इन इक्विटी फॉर 1%. तो आपका 100 crore का वैल्यूएशन हो गया. एंड 1 crore इन डेट. 100 crore वैल्यूएशन शार्क टैंक पे ज्यादातर आते हैं, लोग मांगते लेकिन किसी को मिलता नहीं है. देख, बिजनेस समझना ना हम लोग बहुत जल्दी समझ लेते हैं, बहुत लोगों को बहुत टाइम लगता है. अब थोड़ी मैच्योर बातें करें. कांग्रेचुलेशन, आप कर लेना मैच्योर बातें, मैं थोड़ी मैच्योर बात कर देता हूं. आपके कंपटीटर ने 20 मिलियन उठा लिया है, 100 मिलियन. तो अभी 1-2 crore से आपका कुछ नहीं. और क्योंकि 1% में यार मेरा कुछ नहीं होने वाला ये बिजनेस में, रिस्क आर टू हाई टू टेक जस्ट 1%. 5% में आप मानोगे नहीं, और इसके बीच में कहीं मुझे लग रहा नहीं है डील होगा. बट आई विश यू द बेस्ट, और ये काम करते रहिए, बड़ा अच्छा काम है. आई होप यू डू अ मैसिव राउंड एंड किल द कॉम्पिटिशन. गुड लक. थैंक यू सो मच. अब मैं पूछ सकता हूँ अपने सवाल? हाँ पूछ सकते हो. हे भगवान, और कितने? नहीं अब मैं तो अभी चालू करूंगा ना, मैं तो यार अपने ऑफर दे दिया, अगर उनको लेना है वो ले लेंगे, नहीं तो उनके पास हक है पूरा पूछने का. हाँ ठीक है. इतनी बड़ी कंपनी बनाना चाहते हो ये बताओ. सर एज ए सेट कि हम ऑलरेडी 100 crore का रेवेन्यू तो टारगेट कर ही रहे थे. नाउ द आइडिया इज वी वांट टू रीच अबाउट 250-200 crore इन से द नेक्स्ट 3 years, राइट, सो दैट वी कैन कमांड से $1 billion वैल्यूएशन इन द नेक्स्ट 5 years. और वही आइडिया, और अगर हमने ये कर लिया तो हम आज 8 lakh जाने बचा रहे हैं, हम कल को 80 crore जाने भी बचा सकते हैं. नॉट ओनली इन इंडिया, आई वुड से मे बी इन सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑल्सो फॉर दैट मैटर. 250 crore पे $1 billion नहीं बनेंगे, उससे ज्यादा करना पड़ेगा. पर आपके एम्बिशन $1 billion कंपनी बनाने के. हो गया, टाइम हो गया, बस अभी चलो. रुक जा भाई, रुक जा. तो हमारा चला जाएगा. मेरे को पार्टनर की इक्विटी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में, पूरा इकोसिस्टम आपके पीछे लगा देंगे. और नेक्स्ट राउंड रेज वेज करवाना ये सब भी अपने हाथ में रहेगा. मुझे चाहिए 10%. 5 crore रुपए डालूंगा, आपने 2 मांगे, मैं 5 डालूंगा. 50 crore वैल्यू. अरे आधा वैल्यूएशन. और बॉस फंड रेज तो हम भी करा सकते हैं. चलिए एक और ऑफर चेंज करता हूँ मैं आपके लिए, 5 crore 5%. बिग ह्यूज बिगेस्ट ऑफर ऑन शार्क टैंक एवर. मैं नमिता और अमन के साथ जुड़ना चाहूंगा अगर दे आर ओके इन देयर ऑफर. ये जब हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको मैं नेटवर्क समझाती हूँ. मेरे पास हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स नर्सेज है. Yes. इनके पास हम तीनों के पास इन्वेस्टर्स है, इनके पास टेक्नोलॉजी है. mm-hmm. और हम टाइम भी देंगे. ऐसा नहीं है कि 5 crore में टाइम देंगे, 1 crore में नहीं देंगे. हम आपको 1 crore में भी टाइम देंगे. मैं आपको समझाना चाहूंगा, मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने कार देखो, इंश्योरेंस देखो मैं बनाया, उससे काफी कोरिलेटेड आप काम कर रहे हो. मेरे को लगता है काफी बड़ा हमारा एक सिनर्जी इफेक्ट भी आएगा. अगर मैं 5 crore रुपए डालूंगा अपने, तो यहाँ पर सब लोग कुछ कुछ लाख डाल के क्या कर लेंगे. रिस्क मेरा सबसे ज्यादा है, आप पे भरोसा मैं कर रहा हूँ सबसे ज्यादा, तो भरोसा करके देखो आप भी मेरे पे. चलिए 2 ऑफर है आपके पास, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा. मैं आपको बोलता हूँ बाहर जाके सोच के आइए आराम से. 5 ठीक है. Thank you.
offering a good deal. This will be the biggest deal on Shark Tank. 5 crore. Valuation is the same. Come on, that Ravjot wants you, yeah. He doesn't like me because I didn't pick up his call. इसे sorry बोल दे यार. अब प्यार से बात कर ले, पिघल जाएगा. Welcome back. Check ready है. घमासान परिस्थिति आपने create कर दी आपने. घमासान. हमारे अंदर भी sir. सर एक बेसिक मतलब काउंटर ऑफर था. हाँ जी. जस्ट टू क्लियर होने के लिए अमन नमिता एंड पीयूष आर कमिंग टुगेदर. यस. हाँ जी. हाँ जी. यस. थ्री ऑफ यू आर कमिंग देन कैन वी रिमूव द डेट कंपोनेंट. हाँ जी. हाँ जी. एंड हम 2 करोड़ ही जो हमारी बेस पहले की आज थी वो कंटिन्यू रख सकते हैं. एंड बेसिकली हम पहले 1% कह रहे थे, अब हम कह रहे हैं हम उसको 1.5% कर लेते हैं इक्विटी. नहीं यार, 2% पे कर लेते हैं. आई एम ओके. क्योंकि 100 करोड़ इज अ गुड वैल्यूएशन, यू नो दैट. नो डेट. हाँ. 2 ऑफर हैं. एक है अमित का 5 करोड़ फॉर 5% ऑफ योर कंपनी, मतलब 100 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया. और दूसरा ऑफर है पीयूष नमिता और अमन का 2 करोड़ फॉर 2% ऑफ योर कंपनी, वो भी 100 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया. आप कौन सा ऑफर लेना चाहेंगे डिसाइड कीजिए. बताइए क्या करना है. और 3 sharks. नॉन नेगोशिएबल लग रहा है सिर्फ यू नमिता नंबर. हां यार सर, वी विल गो विद पीयूष नमिता एंड अमन. और सुन मैं एक डायलॉग मारना चाहता हूं. जब तुम किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात Thank you, sir. Thank you. Pleasure. Congratulations, guys. Good luck. Thank you, sir.